मजनू का टीला दिल्ली की एक टिबेटन कॉलोनी है जो एस्टैब्लिश हुई थी 1960 के आसपास। इसका ऑफिशियल नाम है न्यू अरुणा नगर कॉलोनी। अब मजनू का टीला एक टिबेटन कॉलोनी तो है, बट क्या आपको ये पता है कि इसकी हिस्ट्री सिख धर्म के गुरुओं के साथ जुड़ी है? तो बात ऐसी है कि दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी के शासन के टाइम एक ईरानी सूफी मिस्टिक होता था जिसका नाम था अब्दुल्ला। उसका निकनेम मजनू था और वो पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी को पहली बार 20 जुलाई 1505 में मिला था। मजनू लोगों को फ्री में यमुना के पार ले जाता था भगवान की तरफ अपनी एक फ्री सर्विस के रूप में। उसकी इस भक्ति को देखकर गुरु नानक जी ने वहीं पर जुलाई एंड तक रुकने का फैसला कर लिया। अगर हम बात की हिस्ट्री देखें तो सिख मिलिट्री लीडर बघेल सिंह ने मजनू का टीला गुरुद्वारा बनाया उस 1783 की स्टे की याद में, और छठे गुरु गुरु हरगोविंद भी यहाँ पर रुके थे। आज ये दिल्ली की सबसे पुरानी सिख धार्मिक स्थलों में से एक है, और जो इसके आसपास की जगह है वो 19वीं सेंचुरी या फिर 19वीं सदी में सिख राजा रंजीत सिंह ने डोनेट की थी। तो तिब्बत के लोग यहाँ पर सेटल कब हुए? तो बात ऐसी है कि लेट 1950s में अरुणा नगर डेवलप हो रहा था, और 1959 में तिब्बत ने जो प्रोटेस्ट किया चाइना के खिलाफ, जो विरोध किया, वो हुआ था मार्च में। और फिर बहुत सारे जो तिब्बत के लोग हैं वो 1959 एंड और 1960 में तिब्बत छोड़कर आ गए जब दलाई लामा एग्जाइल में चले गए धर्मशाला में। बहुत ही जल्द फिर एक छोटी सी तिब्बत की रेफ्यूजी कैंप जो है वो बन गई यमुना नदी का जो रिवर बेड है उसके ऑपोजिट साइड रोड के। वो जो जगह है, जो लैंड है, वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने टिबेटन रिफ्यूजीज को 1960 में दे दिया। अब आज मजनू का टीला तिब्बत रिफ्यूजीज की जो सेकेंड जनरेशन है, दूसरी पीढ़ी है, उनके लिए घर बन चुका है। और इस जगह को सेमियेलिंग भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे एक मिनी टिबेट भी बोलते हैं। अब मजनू का टीला यानी MKT की इकोनॉमी की बात करें कि कहाँ से सारा पैसा आता है, तो ये जो सारा पैसा है ये होटल्स, गेस्ट हाउसेज और रेस्टोरेंट से आता है। इसके अलावा बहुत सारी जो पॉपुलेशन है मजनू का टीला की, वो छोटे छोटे घरों में रेंट पे यानी किराए पे रहते हैं, तो वहाँ से भी आता है पैसा। और साथ ही साथ ये जो मजनू का टीला है, ये यहाँ पे एक मार्केट भी है जहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगी, चाइनीज़ आर्टिफैक्ट्स मिल जाएंगे, और मेटल की, चाइना बोन की, इन सब के आपको शो पीस, ये सब चीज़ें मिल जाएगी। और यहाँ पे ब्यूटी पार्लर्स भी है, इंटरनेट कैफेज भी हैं, ट्रैवल एजेंसीज भी हैं, तो यही सब से यहाँ की कमाई चलती है। अब जो लोकेलिटी है मजनू का टीला की, वो बहुत ही पॉपुलर है, फॉरेन हो चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, सबके बीच में बहुत पॉपुलर है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात करें, नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट्स की बात करें, तो उनको तो ज़्यादातर सभी को मजनू का टीला के बारे में पता ही होता है। तो पूरी मार्केट देखने के बाद मैं अपने होस्ट टेंजिन और उसके फ्रेंड के साथ लंच के लिए गया। एक्चुअली मैं लंच कर चुका था तो मैंने सिर्फ रिकॉर्ड किया और लंच उन दोनों ने किया। मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम मैं भी ये सब खा पाऊँ, बट क्योंकि उस दिन मैं लंच कर चुका था तो मिस हो गया। कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। दिस इज
तो लंच करने के बाद थोड़ी और मार्केट देख के हम लोग एक कैफ़े में गए जहाँ पर टेंजिन का मैंने एक इंटरव्यू लिया। तो टेंजिन ने हमें टिबेट की जो इनकी टिबेटन कम्युनिटी है उसके बारे में बताया, क्या जो कल्चर है पूरा उसके बारे में बताया। तो वो वीडियोस भी आपको इन्फो भंडार के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, बट वो सारी वीडियोस इंग्लिश में होगी। तो इन्फो भंडार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वो सारी वीडियोस कल से आपको इन्फो भंडार के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी एक एक करके। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो अगर कुछ आपको बताना है मजनू के टीला के बारे में या फिर टिबेट की कम्युनिटी के बारे में या कुछ भी। मेरा नाम है पार्थ नागपाल, आप देख रहे थे इन्फो भंडार और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा टेंजिन के साथ।